खबर की ओर। यमुना नगर के गांव खजूरी में उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते दंडे बीड़े और तेज धार हथियार चलने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को यमुना नगर के ट्रामा सेंटर में लाया गया जहां पर सभी का उपचार जारी है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध रूप से किसानों का यूरिया खाद प्लाईवुड फैक्ट्री में पिछले काफी समय से धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है, जिसको रोकने को लेकर एक गुट ने दूसरे पक्ष को इसके बारे में रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। खाद से जुड़ी आपसी रंजिश को लेकर आज दो गुटों में उस वक्त विवाद हो गया जब दोनों गुटों आपने सामने आ गए और इस विवाद के चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायल हुए लोगों का कहना है कि वह अपने किसी काम से बाहर जा रहे थे कि आकर दूसरे पक्ष ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके साथ गाली गलौज करने लगे और इसके बाद उनके हाथों में डंडे थे तो उन्होंने उनकी गाड़ियों पर मारना शुरू कर दिया जिससे गाड़ियों के सभी शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। वहीं पर कई लोग इस पूरे विवाद में घायल भी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घायलों को यमुनानगर के ट्रामा सेंटर में भेज दिया है। वहीं घायलों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। यमुनानगर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। यमुनानगर से सूचना प्राप्त हुई थी, गांव खजूरी के दोनों पक्षों का जटलाना में झगड़ा हुआ था जिनके दोनों बयान अंकित करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। 33,000